झारखंड के रामगढ़ से आई है बेहद चौंकाने वाली तस्वीर। यहां भैरवी नदी में अचानक आई बाढ़ में पुल में एक व्यक्ति फंस गया, एक परिवार फंस गया और फिर अचानक परिवार की एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। जब तक परिवार के लोग कुछ समझ पाते तब तक महिला नदी के पानी में बह चुकी थी, लेकिन कैसे कुछ युवक उसके लिए देवदूत बने, कैसे बची महिला की जान, देखिए चौंकाने वाली रिपोर्ट। झारखंड के रामगढ़ में नदी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यहाँ प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पास उफान पर बह रही भैरवी नदी के तेज बहाव की चपेट में ये महिला आ गई। नदी के पानी का बहाव कितना तेज है ये बात इन तस्वीरों को देखकर साफ हो जाती है। नदी का पानी पुल पर से होकर गुजर रहा था और जान जोखिम में डालकर महिला समेत ये पूरा परिवार नदी पार करने की कोशिश करता है। इनके पांव उखड़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे ये परिवार पुल पर आगे बढ़ता है। समूह में 5 से 6 लोग हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। अचानक किनारे पहुंचते पहुंचते बैंगनी साड़ी पहनी इस महिला का संतुलन बिगड़ता है और वो गिर जाती है, लेकिन घर वालों के हाथ में उसकी साड़ी का एक हिस्सा आ जाता है। वो उसी के सहारे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन महिला का हाथ और उसकी साड़ी तेज बहाव में परिवार के लोगों से छूट जाती है और वो नदी के बहाव में बहने लगती है। लोग महिला को बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। इलाके के कुछ लोग महिला को बचाने के लिए नदी के तेज बहाव में उतर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले नीली शर्ट पहने इस युवक ने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक महिला को रोक पाने में नाकाम रहता है। महिला आगे बहती चली जाती है। महिला को बचाना मुश्किल लगता है, तभी टी शर्ट पहने एक और युवक सामने से महिला को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन महिला के सामने पहुंचते ही उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। वो जब तक खुद को संभालता है तब तक महिला आगे बह जाती है। आगे महिला को बचाने के लिए इलाके के लोग तीसरी बार कोशिश करते हैं। इस बार युवक किसी तरह नदी के तेज बहाव में बह रही महिला को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 50 साल की महिला बिहार की रहने वाली थी और रजरप्पा मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। गनीमत रही कि महिला को गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह भैरवी और दामोदर नदी का संगम है। इलाके में पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से भैरवी नदी में अचानक पानी बढ़ गया और ये हादसा सामने आया। स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों को हालांकि नदी में न जाने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन मौके पर प्रशासन की तरफ से किसी को तैनात नहीं किया गया था। गौरतलब है कि करीब 5 दिन पहले भी यहां नदी पार करते हुए 4 कांवड़िये बह गए थे, जिनमें से 1 महिला की मौत हो गई थी जबकि 3 को बचा लिया गया था। इस हादसे के बावजूद प्रशासन की तरफ से यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। राजेश कुमार वर्मा, रामगढ़, आज तक।